हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ ज़ारा सिद्दीकी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, अल्लाह पाक आप सभी को अच्छा रखें। तो चलिए बनाते हैं आज मटन वाइट कोरमा। तो ये 1 kg मटन है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon सॉल्ट। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। ये व्हाइट गोल्ड मिर्च है गाइस, तो 1 चम्मच इसको ऐड करेंगे। आप इसे मैरिनेट करके रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो, टाइम नहीं है तो आप इसे फौरन ही बना सकते हैं, वरना तो आधे घंटे के लिए तो रख ही सकते हैं। ये 1 teaspoon जिंजर पेस्ट, 2 teaspoon हो गया जिंजर पेस्ट। ये गार्लिक पेस्ट है, 1 teaspoon, 2 teaspoon। ये कर्ड है, ना ये खट्टी है ना ये मीठी है। अब इसे ऐड करेंगे। ये मैंने कर्ड ऐड करी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। मैंने अच्छे से मैरिनेशन करके रख दिया है गाइस। तो अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये खुशबू के मसाले, इलायची, लौंग, जावित्री, दालचीनी और ये है बादाम, ये है नारियल का बुरादा। तो इन दोनों को पीस कर पेस्ट बना लेना है। मैंने गैस पे कुकर रख दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सभी खुशबू के मसाले ऐड कर रही हूँ। ये 4-5 हरी मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें फाइन चॉप की हुई प्याज है वो ऐड कर रही हूँ। ये 4-5 प्याज भी गई। इस प्याज को कोई भी कलर नहीं देना है, ना ही ब्राउन ना पिंक, इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है। प्याज मेरी सॉफ्ट हो गई है। अब जो मैंने मटन को जो मैंने मैरिनेशन करके रखा हुआ था, अब वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी 2-4 मिनट गाइस। अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो मैंने 5 चम्मच निकाल कर रखा हुआ था गाइस, वो ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 3 कटोरी पानी ऐड कर दिया है गाइस। 3 कटोरी मैंने पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसमें लीड लगाकर विसल्स लगाऊंगी। मटन 100% कुक हो गया है। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी 4-5 मिनट। अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स का जो मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ये व्हिप क्रीम है 1 कटोरी वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून एंड हाफ टीस्पून, मैंने 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ये व्हाइट मटन बन करके रेडी है गाइस, सर्व करने को रेडी है। तो आप इसे नान, चपाती, मटन नान और रुमाली रोटी से भी खाएं, बहुत टेस्टी लगे। जितना देखने में ये टेस्टी है, उतना ही खाने में टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर मेरे मेथड से ट्राई करें प्लीज़ गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।